मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही क्यूट से पपी से जो कि भूख की वजह से यहाँ कहीं खाना चुरा रहा था। पास में ही एक मटन की शॉप थी और ये क्यूट पपी वहाँ चला जाता है जहाँ पर पास ही पुलिस आती है और उसे पकड़ने लगती है। अब ये पपी वहाँ से भागकर करीब के बीच में कुछ जगह पर सैंड के कुछ नम्स बने थे उनमें छुप जाता है। साथ ही हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम था शैगी। वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और इसी वजह से वो इन सैंड के नम्स को ही अपना दोस्त मानकर इनसे बातें कर रहा था। अब यहाँ पर वो छोटा सा पपी सारी बातें सुन के बाहर निकल आता है। अब जल्द ही इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है जिसके बाद यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर इस पपी को ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। शैगी कहता है कि ये तो मेरा अपना पेट है और इसका नाम है स्कूबी। यानी कि अब शैगी ने इसका नाम स्कूबी रख दिया था जिसके बाद वो स्कूबी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने सारे टॉयज भी दिखाता है, अपना फेवरेट सुपर हीरो भी दिखाता है और साथ ही स्कूबी को एक नेम टैग भी देता है और प्रॉमिस करवाता है कि तुम इसे कभी भी नहीं उतारोगे। अब करीब आता है दिन हॉलोवीन का जहाँ पर ये दोनों रेडी होते हैं। ये दोनों अपने फेवरेट सुपर हीरोज में चेंज होकर जाते हैं कैंडी कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पर कुछ बहुत ही बदतमीज बच्चे थे जो इनसे इनकी कैंडी चुरा कर एक बहुत ही हॉन्टेड हाउस में फेंक देते हैं। अब ये अंदर तो जाने से डर रहे थे तो यहाँ पर आते हैं तीन और लोग जिनका नाम था फ्रेडी, वर्मा और डैफनी। ये तीनों कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और इस कैंडी को घर से बाहर ले आएंगे। यहाँ पर शैगी ने मना करता है कि ये हाउस हॉन्टेड है, अंदर नहीं जाना चाहिए। ये तीनों इनको समझाते हैं और इनके साथ घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो कैंडी का बैग पड़ा दिखाई देता है। अब ये कैंडी का बैग उठाकर बाहर आने ही वाले थे तो अचानक से इन्हें कुछ आवाज आती है एक वार्डरोब में से। जब ये वार्डरोब खोलकर देखते हैं तो अंदर कपड़ों के पीछे एक भूत नजर आता है जिसको देखकर तो ये डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर वर्मा को अचानक से नजर आता है कि उस वार्डरोब से एक रस्सी लटक रही है जिसको फिर काट देता है और उसके बाद वो गोश्त नीचे गिरता है। पता चलता है कि ये तो इस घर का अपना ओनर है। साथ ही शैगी और स्कूबी आकर बताते हैं कि कैसे घर के पीछे एक जगह पर बहुत सारा चोरी का सामान रखा है, यानी कि ये घर का ओनर चोर था। इसके बाद ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और इस ओनर को पकड़वा देते हैं। इसके बाद ये सब बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अपना एक डिटेक्टिव ग्रुप बनाया जाए जिसका नाम ये रखते हैं मिस्ट्री इंक। अब देखते ही देखते ये लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़वाते भी हैं और साथ ही बड़े भी हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपने लिए एक वैन भी खरीदते हैं जिसका नाम ये रखते हैं मिस्ट्री मशीन। अब ये सब लोग एक दिन एक होटल में बैठे थे जहाँ पर फ्रेडी कहता है कि हमें अगर ये काम कंटिन्यू रखना है तो हमें पैसे चाहिए होंगे, जिसके ऊपर वर्मा कहती है कि हमें एक इन्वेस्टर मिलने वाला है और वो यहीं पर हमसे मिलेगा। अब यहाँ पर आता है साइमन जो कि इन्वेस्टर था। वो कहता है कि तुम लोगों की टीम बहुत अच्छी है, यहाँ पर फ्रेडी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वर्मा के पास बहुत दिमाग और डैफनी के पास बातचीत करने का अच्छा तरीका, पर शैगी और स्कूबी का यहाँ पर मुझे कोई खास फायदा नहीं नजर आ रहा और अगर ये ग्रुप में है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये बात सुनकर शैगी और स्कूबी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उठकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अपना दुख दूर करने के लिए ये जाते हैं अपने फेवरेट क्लब में जहाँ पर ये लोग बॉलिंग करने लगते हैं। अब जैसे ही बॉलिंग बॉल जाता है पिंस की तरफ, ये सारी चीजें अचानक से रोबोट्स में चेंज हो जाती हैं और शैगी और स्कूबी के पीछे पड़ जाती हैं। बहुत मुश्किल से ये लोग इनसे बचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडी, वर्मा, डैफनी वैन में कहीं जा रहे थे और रास्ते में रेडियो पर इनको पता चलता है कि क्लब में क्या हो रहा है। इन तीनों को आइडिया हो जाता है कि ये तो फेवरेट क्लब था स्कूबी और शैगी का, यानी कि वो किसी मुसीबत में होंगे और ये तीनों निकल जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पर वो रोबोट अब फिर से इनको पकड़ने के लिए आ गए थे। यहाँ पर ये लोग भागते भागते एक ऐसी एली में चले जाते हैं जो कि आगे से बंद थी। अब यहाँ पर अचानक से आसमान से ब्लू लाइट आती है। ये ब्लू लाइट खींच कर इन्हें ले जाती है एक स्पेसशिप में जहाँ पर पहुँचते साथ ही शैगी को रियलाइज हो जाता है कि ये स्पेसशिप है ब्लू फाल्कन की, जो कि उसका फेवरेट सुपर हीरो है। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है दीदी, वो इस स्पेसशिप की पायलट है। वो इनको बताती है कि कैसे जितने भी रोबोट्स इनके पीछे पड़े थे वो एक क्रिमिनल डिक ने भेजे हैं और वो इनको पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पर ये लोग मिलते हैं फाल्कन से और उसके डॉग डायनो से। पता चलता है कि ये रियल फाल्कन नहीं है क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है, ये तो उसका बेटा ब्रायन है। अब ब्रायन इनको पूरा प्लान बताता है कि कैसे वो क्रिमिनल तीन स्कल्स ढूंढ रहा है और अगर उसे वो स्कल्स मिल गए तो वो अपना एक बहुत पुराना खतरनाक सा प्लान पूरा कर देगा। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि इनकी स्पेसशिप पे हमला हो जाता है और ये हमला वो क्रिमिनल कर रहा था। अब फाल्कन अपनी स्पेसशिप में से कुछ वेव्स निकालता है जो कि इनकी शिप को बचा लेता है, जिसके बाद ये शैगी और स्कूबी से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना है क्योंकि इसी तरीके से तुम दोनों बच के रहोगे। दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्रेड, वर्मा और डैफनी पहुंचते हैं
उसी क्लब। वहाँ का मेंबर उसे सारी चीजें स्टोरी की तरह बता देता है। उसके बाद वहाँ पर एक टूटा हुआ रोबोट भी उन्हें दे देता है, जिसको जाकर वैमा बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने लगती है। इस रोबोट को सर्च करते हुए वैमा को वहाँ से एक बाल मिलता है, जिसको वो जब टेस्ट करती है तो पता चलता है कि ये तो डिक का है। अब इसके बाद ये डिक की सारी हिस्ट्री निकालती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले उसने एक स्कल किसी जगह से चुराया था, ये भी इनको पता चल जाता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे डॉगीज को भी चुरा रहा था, जिसकी वजह से इनको पता चल गया था कि स्कूबी किसी खतरे में जरूर है। ये लोग निकल पड़ते हैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए। अब जब ये लोग गाड़ी चला रहे थे तो झटका लगने से वो रोबोट जो कि टूटा हुआ था अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक अपने रोबोट्स में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसका एक छोटा सा बताया हुआ काम ये लोग पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह वो अपने रोबोट पे इतना गुस्सा करता है कि उसका सर उतार कर एक हेयर ड्रायर लगा लेता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि डायनो और डी ने मिलकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और पता लगाया कि दूसरा स्कल कहाँ पर होगा। वो एक डेजर्ट में था, जिसके बाद डीन को कहती है कि हमें इस डेजर्ट में जाना होगा ताकि डिक उस स्कल तक ना पहुँच सके। अब यहाँ पर ब्रायन आकर कहता है, जो कि रियल में कोई सुपर हीरो तो था नहीं, वो कहता है कि मुझे किसी ने बताया है कि ये स्कल वहाँ पर नहीं किसी और जगह पर है और हमें उस जगह पर जाकर उस स्कल को ढूंढना होगा। डी उसे समझाती है कि हो सकता है कि ये डिक की ही कोई चाल हो, हमें इस तरह आसानी से किसी की बात पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी बाकी सारे लोगों को जाना पड़ता है ब्रायन के साथ उस जगह पर। दूसरी तरफ वर्मा जब सर्च कर रही थी तो उसे पता चलता है कि जितने डॉग्स को भी चुराया गया वो कहीं ना कहीं स्कूबी के साथ कनेक्टेड है। अब मजीद सर्च करने पर उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि स्कूबी अलेक्जेंडर के डॉग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, यानी कि वो डॉग जो कि सुपरनैचुरल पावर्स वाला था। इससे तो ये बात साफ साफ क्लियर थी कि ये बंदा स्कूबी तक पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ ब्रायन बाकी सारी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है ताकि स्कल को ढूंढा जाए, बट वहां पर डी सही कह रही थी, ये एक डिक का प्लान था। वहां पर डिक बाकी सारे रोबोट्स के साथ इनका वेट कर रहा था और इसके बाद इन पर जब हमला होता है तो ब्रायन तो इनको छोड़कर भाग जाता है। अब पीछे डीनो और डी मिलकर उससे मुकाबला करते हैं। शैगी और स्कूबी जाकर एक कैबिन में छुप जाते हैं, जहां पर डिक इन्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। अब वो शैगी को यहां से निकाल कर बाहर इतने जोर से फेंकता है कि तो वो दूर जाकर एक फेरिस व्हील पर गिरता है, जहां पर उसे ब्रायन भी छुपते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ स्कूबी अब डिक से छुपते हुए एक ऐसे रूम में आता है जहां पर हर तरफ मिरर्स थे, जहां पर डिक आकर उसे कहता है कि तुम तो खजाने की चाबी हो और मैं तुम्हें करूंगा। पर इतने सारे शीशे थे और हर एक में स्कूबी की रिफ्लेक्शन थी, तो इसी धोखे में स्कूबी आराम से वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो पहुँचता है शैगी और डीनो के पास। अब ये लोग वहाँ से निकलने लगे थे कि डिक इन पर फिर से हमला कर देता है, बट यहाँ पर डी आकर इनको बचा लेती है। अब डिक को फोन आता है उसी रोबोट का जो कि वेलमा डेफनी और फ्रेड की वैन में था। वो बताता है कि इनकी लोकेशन किधर है। दूसरी तरफ स्कूबी जैसे ही स्पेसशिप में पहुँचता है तो वो बाकी सब लोगों को बताता है कि वो किसी खजाने की चाबी है और इसीलिए डिक उसे ढूंढ रहा था। अब ये बात सुनकर ब्रायन कहता है कि स्कूबी को एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव सूट देना चाहिए, जिसके बाद वो उसको एक सूट देता है और वो कॉलर जो शैगी ने उसे दिया था वो भी उतार देता है। शैगी ये देखकर बहुत उदास होता है, क्योंकि स्कूबी ने प्रॉमिस किया था कि वो ये टैग कभी नहीं उतारेगा। शैगी के पास ब्रायन आता है, जो कि बताता है कि वो भी काफी उदास है, क्योंकि वो अभी तक अपने डैड की जगह पे खुद को प्रूव नहीं कर पाया और ना ही वो इतना स्ट्रांग है जितना कि उसके डैड थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेड डेफनी वर्मा को एक पिक्चर से पता चलता है कि स्कूबी और शैगी कहाँ पर ब्लू फाल्कन के साथ है। यहाँ पर उनको आइडिया होता है कि शायद वो थोड़े सेफ होंगे और वो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। अब ये लोग रास्ते में ही थे कि इनको एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। जब ये गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है ये तो डिक खुद था और ये उसकी एक चाल थी, जिसके बाद वो इन तीनों को पकड़ कर अपनी स्पेसशिप में ले जाता है और वहाँ पर उनको कैद कर देता है। अब यहाँ पर आता है वो छोटा सा रोबोट, जिसको डिक ने तंग करके उसके फेस की जगह पर एक हेयर ड्रायर लगाया था। यहाँ पर डेफनी उसकी हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो इन तीनों को आजाद कर देता है। अब ये लोग जाते हैं और थोड़ी बहुत छानबीन कर रहे थे कि इनको एक स्क्रीन पर पता चलता है कि डिक को तो दो स्कल्स मिल चुके हैं और उन्हीं स्कल्स की मदद से वो तीसरे के पास पहुँचने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़े से मैसिव माउंटेन पे था। और ये इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन डीनो तक पहुंचाते हैं। साथ ही एक और रूम भी था, जहां पर वॉल के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स लगी थी। उन पिक्चर्स को देखकर इन्हें तो डिक का सारा प्लान समझ आ गया था, क्योंकि डिक चाहता था कि अलेक्जेंडर के खजाने तक पहुंच सके और वो खजाना सिर्फ अलेक्जेंडर या उसका डॉग खोल सकता था। और क्योंकि स्कूबी उस डॉग से रिलेटेड है, तो अब वो ये काम स्कूबी के थ्रू करवाना चाहता था। वॉल के ऊपर साइड पे एक और डॉग की पिक्चर भी थी, पर यहाँ पर इससे पहले कि कोई और डिटेल पता चल सकती, डिक वहाँ पहुंच जाता है। डिक इन्हें बताता है कि कैसे उसने एक दफा एक पोर्टल के थ्रू
वो खजाना हासिल करने की कोशिश की थी जिसमें उसने अपने डॉग मट को अंदर भेजा था, पर वो वन वे रास्ता था जिसकी वजह से ना वो खजाना पा सका और उसका डॉग भी गायब हो गया। और अब वो स्कूबी को अंदर भेजेगा ताकि वो खजाना भी आ सके और उसका डॉग भी। यहाँ पर अब डिक फ्रेड को अपने पास रखता है और डेफनी वेलमा को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीनो को बताए हुए रास्ते पर ये लोग निकल पड़े थे जहाँ पर वो उस माउंटेन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक सीक्रेट सा आइलैंड मिलता है जहाँ पर बाकी सारे तो बाहर निकलने लगे थे, पर यहाँ पर शैगी कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। स्कूबी उसे कहता है कि हम शायद फैल्कन के साथ ज्यादा सेफ होंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। अब यहाँ पर बाकी सारे बाहर चले जाते हैं और शैगी पीछे रह जाता है। फैल्कन स्कूबी डी आगे जाते हैं तो उनको मिलता है एक छोटा सा केव मैन जो कि बताता है कि मुझे पता है कि वो स्कल किधर है और मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचा सकता हूँ, जिसके बाद ये उसके साथ चले जाते हैं। अब फ्रेड अपनी वैन में पहुँचता है शैगी के पास और बताता है कि हमें स्कूब के पास जल्दी पहुँचना होगा क्योंकि यहाँ पर डिक पहुँचने वाला है। वो केव मैन इन सबको एक बड़े अरीना एरिया में लेके जाता है जिसके बीच वो स्कल पड़ा था। यहाँ पर वो कहता है कि स्कल लेने के लिए एक शर्त होगी कि मुझसे लड़ना होगा। अब ब्रायन देखता है कि ये केवमैन कितना छोटा सा है, एक बिल्कुल बोने जैसा, तो इससे मैं लड़ लेता हूँ। पर अब जब इनकी लड़ाई शुरू होती है तो वो तो इसको इसकी नानी याद दिला देता है। यहाँ पर डी और डीनो भी इसकी हेल्प करते हैं और डीनो आखिरकार इसको हरा ही देता है। पर इससे पहले कि वो स्कल तक पहुँचते यहाँ पर फ्रेड और शैगी पहुँच जाते हैं। अब पता चलता है कि ये फ्रेड नहीं था, ये तो बल्कि डिक ही था जो कि फ्रेड के रूप में आया था। डिक यहाँ पर स्कूबी को पकड़ता है और बाकी सबको छोड़कर अपनी स्पेसशिप में चला जाता है, यहाँ तक कि फ्रेड डेफनी वेलमा को भी इनके पास ही छोड़ देता है। अब ये सारे लोग जब ब्लू फाल्कन की स्पेसशिप तक पहुँचते हैं तो वो भी तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद ब्रायन और फ्रेड की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर शैगी इनको समझाता है कि लड़ने का फायदा नहीं, हमें जाकर स्कूबी को बचाना होगा। और ये लोग मिल जाते हैं कि अपनी किसी तरीके से स्पेसशिप को ठीक किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक अब स्कूबी को लेकर एक बहुत ही पुराने खंडर जैसे एरिया में चला गया है, जिसके बाद तीनों स्कल्स की मदद से वो एक बहुत ही बड़े पैलेस में चेंज हो गया था, जो कि था शायद वही पैलेस जहाँ पर वो खजाना है। डिक देखता है कि पीछे बाकी सारे लोग आ रहे हैं मिस्ट्री वैन में, क्योंकि उन्होंने ब्रायन की स्पेसशिप का इंजन लगा लिया था मिस्ट्री वैन के साथ और वो उड़ने लगी थी। यहाँ पर वो अपने रोबोट्स को भेजता है इनकी वैन पे हमला करने के लिए, जहाँ पर इनकी वैन बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरने वाली थी। पर डीनो अपनी पावर से इनकी वैन को बचाता है, बाकी सारे तो बच जाते हैं बट वैन का सत्यानाश हो जाता है। फ्रेड को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मिस्ट्री वैन तबाह हो रही है। अब दूसरी तरफ डिक स्कूब का हाथ एक बहुत ही छोटे से लॉक पर लगाता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा गेट खुलता है। दरवाजे के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा सा डॉग जिसके तीन फेस थे। ये वही सुपर नेचुरल डॉग था जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड था स्कूबी से। अब जब ये बाहर निकलता है तो बाकी सारे लोग इसको देखकर डरकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डिक अंदर जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खजाना नजर आता है और साथ ही उसे अपना डॉगी भी मिलता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको खजाना भी मिल गया और उसका डॉग भी यहीं पर है। स्कूबी और बाकी सारे लोग इस बड़े से डॉग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वो छोटा सा रोबोट जिसको डेफनी ने ठीक किया था वो भी अपने बाकी सारे रोबोट फ्रेंड्स के साथ आता है इनकी मदद करने के लिए। अब डीनो देखता है कि ब्रायन कहाँ पर है, जहाँ पर उसको ढूंढ कर वो बताता है कि ये सही मौका है कि तुम साबित कर सको कि तुम ब्लू फाल्कन के बेटे हो, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रांग फील करता है और चला जाता है उस बड़े से डॉग से लड़ने के लिए। ये सब लोग आपस में लड़ाई में लगे थे और दूसरी तरफ डिक खजाना और अपना डॉग लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर अचानक से डेफनी को ख्याल आता है कि फ्रेड के पास एक क्लू था इस दरवाजे को बंद करने का, जिसपे लिखा था कि स्कूबी को अपने एक खास फ्रेंड के साथ मिलकर इस दरवाजे को बंद करना होगा। ये काम दो लोगों का था, जिसके बाद ब्रायन अपना पूरा ध्यान लगाता है कि किसी तरीके से इस बड़े से डॉग को वापस उस जगह दरवाजे के पास पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ स्कूबी और शैगी दो रोबोट से कहते हैं कि बोलिंग बॉल्स में चेंज हो जाओ, जो कि फेंकते हैं वो उसी बड़े डॉग की तरफ, जाके वो स्लिप होकर अंदर गिर जाए। स्लिप होने के बाद जब ये बड़ा सा डॉग अंदर गिरता है तो ये लोग फौरन दरवाजे को बंद कर देते हैं। बट अब इस दरवाजे को लॉक करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को अंदर जाना होगा। यहाँ पर शैगी कहता है कि इस काम के लिए मैं जाऊंगा, जहाँ पर वो लॉक को जैसे ही हाथ लगाता है तो वो अंदर चला जाता है। और अब स्कूबी जब उस दोबारा लॉक को टच करता है तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, वहाँ पे सारा का सारा महल गायब हो जाता है। अब बाकी सब लोग बहुत ज्यादा उदास थे कि शैगी अब हमें वापस कभी नहीं मिलेगा। अब अचानक से यहाँ पर अलेक्जेंडर और उसके डॉग का एक स्टैचू बना हुआ आता है जिसके ऊपर लिखा था कि सच्चे दोस्त कभी भी जुदा नहीं होते, जिसके बाद वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से अलेक्जेंडर शैगी को बाहर धक्का देता है।
ये लोग शैगी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद शैगी स्कूबी को वही कॉलर देता है जो कि स्कूबी ने पहले उतार दिया था। दूसरी तरफ कुछ रोबोट्स पकड़ के लेकर आते हैं डिक और उसके डॉग को भी, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनके पास बहुत सारे फंड्स भी आ गए हैं और इन्होंने मिस्ट्री इंक की एक ऑफिस भी खोल ली है जहाँ पर ये डिफरेंट किस्म के केसेस लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि ब्रायन ने फ्रेड को एक बहुत ही एडवांस वैन भी गिफ्ट की थी। एंड में हम देखते हैं कि इनको एक नए केस के लिए कॉल आती है और ये सारे उसे सॉल्व करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं पर ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है।